गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में हम सीखेंगे दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना, और ये आप पहले भी सीख चुके हैं, छोटी क्लासों में भी आपने किया है अभाज्य गुणनखंड। और दूसरे प्रश्न में या आगे वाले प्रश्नों में हम अभाज्य गुणनखंड के आधार पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और कुछ संख्याएं दी हैं, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट हमें दिया है इसने, कौन सा, 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो ये 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे 35, फिर 5 से भाग जाएगा 7, फिर 7 से भाग जाएगा 1। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। उसके बाद में हमारे पास दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या दी हुई है 156। 156 के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, कितना आएगा 7 और 8, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 39, फिर 3 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 13, फिर 13 का भाग करेंगे कितना आएगा 1। इसके बाद में हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे जो संख्याएं देख रहे हैं हम, 2 बार आया है, और 5 और 7 इसमें एक बार आया है, इसमें 3 और 13 एक बार आया है। तो जो जितनी बार दोहराया जाएगा उतनी ही उसकी घात लग जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 बार हैं तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 × 5 और × 7। यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, 2 बार आया है तो 2 की घात 2 × 3 और × 13। तो हमें इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है, 3825। तो 3825 में क्योंकि ये विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग चेक करेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 × 3 3 × 2 = 6, 2 बचेंगे, 7 × 3 = 21 और 5 × 3 = 15। अब चेक करें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 12 और 3 = 15 अभी भी भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6 और 5 × 3 = 15। अब देखें 3 का भाग जाता है कि नहीं, तो 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इनका योग हो रहा है 11, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता। फिर हम भाग देंगे इसमें 5 से, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 17, फिर हमारे पास 17 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 = 17। क्या बनेगा, 3 2 बार हैं तो 3 की स्क्वेयर, 5 2 बार हैं तो 5 की स्क्वेयर, और गुणा में हमारे पास है 17। तो हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथे पार्ट में हमें दिया है 5005। यहाँ पे हम देखें तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है। 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1001। और 1001 में अब 5 का भाग भी नहीं जा रहा। जब 5 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें हम किसका भाग देकर देखेंगे, 7 का। तो 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 × 7 3 बचेंगे, 7 × 4 = 28, 2 बचेंगे, 7 × 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 21। 143 है, 143 में किसी का भाग जाता है क्या, 143 में भाग जाता है 11 का। तो 11 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11 × 11 हमारे पास बचेगा 3, 33 हो जाएंगे, 11 × 3 = 33, फिर 13 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे पास आ गए 5005 के गुणनखंड। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें अगली संख्या 7429 के लिए गुणनखंड करने हैं। तो 7429 को देखेंगे, क्योंकि इसमें विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, और उसके बाद में हम 3 से भाग चेक करेंगे, तो संख्या है हमारे पास 7429। 7429 में
गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दो का भाग नहीं जा रहा, तीन के भाग के लिए जोड़ करके देखते हैं, 11 चार 15 और 7 22 भाग नहीं जाएगा। फिर हम भाग करके देखेंगे इसमें पाँच का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 और 5 नहीं है, 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, 11 का भी भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा इसमें, 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 चौकी 68, 6 बचेंगे, 17 चौकी 68, 17 ती 51, 11 बच जाएंगे, 17 सात 119। उसके बाद में इसमें भाग जाएगा, 17 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 19 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 19 दुना 38 बचेंगे 5, 19 तिया 57, अब किसका भाग जाएगा 23 का, हमारे पास कितना आ गया 1, तो 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 19 गुणा में हमारे पास आएगा 23। तो ये हमारे पास पहले प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन थे उनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब हम करेंगे इन अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM हमें ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास दो संख्याएं दी हैं पहले पार्ट में, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास 26 और 91, इनका अलग अलग हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पर भाग जाएगा कितना आएगा 13, फिर 13 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 13। फिर हमें 91 के लिए करना है, तो 91 में 2 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 13, 13 का भाग देंगे 1, 91 बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणा में 13। हमारे पास दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड आने के बाद में हमें सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। तो HCF जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या देखनी होती है HCF के लिए, और उभयनिष्ठ संख्या जो है उसकी न्यूनतम घात हमें लेनी होती है HCF ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, उभयनिष्ठ संख्या है यहाँ पे 13, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है 1, तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा 13। अब हमें इसके लिए LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं उनकी हमें लेनी होती है अधिकतम घात। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है उभयनिष्ठ संख्या की, वो 1 ही है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। उसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं उनकी भी हमें अधिकतम घात लेनी होती है, यहां पे बचा है 2 की अधिकतम घात क्या है दोनों में 2 ही है, 7 बचा है, 7 की अधिकतम घात कितनी है, 7 की घात अधिकतम घात भी 1 ही है, तो क्या आ जाएगा 7, इन्हें हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा LCM। तो 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42, 4 बचेंगे 14 और 4 18, कितना आया 182। तो HCF और LCM हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे, तो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा 26 गुणा में 91, तो 26 को 91 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 गुणा में 91 6 54, उसके बाद हमारे पास 2 और 18, हल करेंगे 6 ये आ देंगे हमारे पास 6 और 13 एक कैंसिल आएगी 2, कितना आ गया 2366। हमारे पास संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366। अब हमें HCF और LCM का गुणा करके देखना है, तो HCF और LCM का गुणा कितना हो जाएगा, HCF है 13, LCM है 182, गुणा करेंगे कितना आएगा 13 दुना 26, हमारे पास बचेंगे 2, 13 अठे 104 और 2 106, 10 बचेंगे, 13 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 23, तो कितना आ गया 2366, इसका मान भी 2366 है, इसका मान भी 2366 है, तो हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारे पास HCF और LCM के गुणनफल के।
तो हमारा जो ये जांच करनी थी वो सिद्ध हो गई है। अब हम इसके लिए दूसरा पार्ट हल करेंगे और दूसरे पार्ट में जो हमें संख्याएं दी हैं वो हैं 510 और 92। तो हमारे पास दोनों संख्याओं के लिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या है हमारे पास 510। 510 के अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10। यहाँ से 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा, अंकों का जोड़ करके देखें 12 बनेंगे, 3 का भाग जाएगा, क्या आएगा, 8 × 3 = 24, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 5 का, कितना आएगा, 17, फिर 17 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17। उसके बाद में जो दूसरी संख्या है वो है 92। तो 92 में पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, कितना बनेगा, 46, फिर 2 का भाग जाएगा, 23, फिर 23 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। तो 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 2, और गुणा में हमारे पास क्या है, 23। अब हमें ज्ञात करना है इसके लिए HCF। HCF में पहले हम चेक करेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या क्या है, तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, 2। अब 2 की हमें न्यूनतम घात लेनी होती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, 1। तो इसका HCF कितना आ गया हमारे पास, 2। अब हमें लेना है LCM। LCM में हमें जो कॉमन है उसके लिए अधिकतम घात लेनी होती है, तो अधिकतम घात क्या है, 2 की 2, गुणा में बाकी जो बच गया है उसकी हमें अधिकतम घात लेनी होती है, 3 की अधिकतम घात है 3, 5 की भी 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, 17 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसका LCM, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे हमारे पास बनेंगे 60 × 17, 17 × 102, 1020, 1020 को हमें गुणा करना है 23 से, तो क्या बनेगा यहाँ से, 0, 46 और 23, कितना बनेगा, 23460। ये हमारे पास LCM आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा 510 गुणा में 92। गुणा करेंगे कितना आएगा, 510 को हमने गुणा करना है 92 से, 0, 2, 10, यहाँ से 0, 9 और 45, कितना आएगा, 0, 2, 9, 6 और 4, 46,920। फिर हमें गुणा करना है HCF और LCM का, तो HCF गुणा LCM, HCF कितना है 2, LCM कितना है हमारे पास 23,460, गुणा करेंगे ये भी कितने आ जाएंगे, 46,920। तो हमारा संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारे पास HCF गुणा में LCM। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे और तीसरे पार्ट में जो हमें संख्याएं दी हैं वो है 336 और 54। तो 336 और 54 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हमारे पास जो संख्या दी है वो है 336। तो तीसरे पार्ट में जो संख्या है वो है 336 और 54। 336 में सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 2 का, कितना आएगा, 1, 6 × 12 और 8 × 16। उसके बाद में 2 का भाग फिर से जाएगा, 8 और 4, फिर से 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 42, फिर से 2 का भाग करेंगे 21, फिर 3 का भाग जाएगा 7, फिर 7 का भाग करेंगे 1। तो 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और गुणा में 2 × 3 × 7, 2 कितनी बार आया है, 2 चार बार है और 1 बार 3 है और 1 बार 7 है, तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 × 3 और गुणा में 7। फिर हमारे पास है 54। 54 के लिए पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 27, 3 का भाग जाएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3, क्या बनेगा, 2 × 3 की पावर 3। अब यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे HCF ज्ञात करने के लिए।
तो उभयनिष्ठ संख्या क्या है, यहाँ पे एक तो है उभयनिष्ठ दो और एक है हमारे पास तीन, इन दोनों में न्यूनतम घात लेनी है। दो की पावर चार है, यहाँ पे दो की पावर एक है तो क्या आएगा, दो की पावर एक। यहाँ पे तीन की पावर एक है, यहाँ पे तीन की पावर तीन है तो क्या आएगा, तीन की पावर एक। क्या बन जाएगा, दो गुणा में तीन बराबर छः। तो एच सी एफ कितना आ गया, छः। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं कॉमन में से, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो की पावर चार और तीन की पावर तीन, गुणा में क्या बच गया हमारे पास, सात। तो सात भी गुणा में आ जाएगा, दो की पावर चार कितनी होती है, ये होती है हमारे पास सोलह। तीन की पावर तीन कितनी होती है, ये होगी सत्ताईस, और गुणा में हमारे पास है सात। तो सत्ताईस को सोलह से गुणा करेंगे, सत्ताईस गुणा सोलह, सोलह सत्ती एक सौ बारह, बचेंगे हमारे पास ग्यारह, बत्तीस और ग्यारह हमारे पास हो जाएंगे तैंतालीस, कितने हो गए, चार सौ बत्तीस। इसमें हमें गुणा करना है सात का, सात दुनी चौदह एक, इक्कीस और एक बाईस, दो बचेंगे अट्ठाईस और दो तीस, कितना हो गया हमारे पास, तीन हज़ार चौबीस। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 3024। हमें गुणा करना है पहले संख्याओं का और उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम का। तो संख्याओं का गुणनफल कितना बनेगा, संख्याएं हैं 336 और गुणा में हमारे पास है चौपन। गुणा करेंगे 336 को चौपन से, तो 336 गुणा चौपन क्या आएगा, 24 दो 14 एक अंसल, 12 और एक 13। यहाँ से हमारे पास 30, तीन बचेंगे, 15 तीन 18 एक, 15 और एक 16, कितने आएंगे, 6 4 4 4 11 एक अंसल, 7 और एक 8 एक, क्या देगा, 18144। इसी तरह से हमें गुणा करना है एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या बनेगा, एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, 6, गुणा में एलसीएम कितना आया है, 3024। गुणा करेंगे 6 चौक 24, दो बचेंगे, 12 और 2 14, 6 3 18, कितना आ गया, 18144। संख्याओं का गुणा भी कितना था, 18144, तो हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारे पास एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है इसका, दूसरे प्रश्न का, वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के मैसे और लैसे हमें ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास कुछ संख्याएं दी हैं, इनके हमें मैसे लैसे ज्ञात करने हैं, वही करेंगे हम जो अभी हमने किया था। पहले हमने दो संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे, अब हम तीन संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न नंबर तीन का जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास 12, 15 और 21। यहाँ से पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या बनेगा, 2 से भाग जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 12 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुणा में 3, क्योंकि 2 दो बार आया है। फिर 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, तो 15 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा में 5। फिर हमारे पास 21 है, 21 में पहले 3 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 1, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 7। अब यहाँ से पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ के लिए पहले हम उभयनिष्ठ देखेंगे, 3 हमारे पास तीनों में आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ संख्या है, और इसके लिए न्यूनतम घात कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा, 3। फिर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम में उभयनिष्ठ 3 है, अधिकतम घात भी 1 है 3 की, तो 3 आ गया। गुणा में जो बाकी संख्याएं बच गई हैं उनकी अधिकतम घात लेनी है, तो 2 बचा है, 2 की पावर 2 गुणा में 5 और गुणा में हमारे पास क्या है, 7। तो 3 गुणा 2 की स्क्वेयर कितनी होती है, 4, 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे हो जाएंगे ये 420। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में जो संख्याएं दी हैं 17, 23 और हमारे पास तीसरी संख्या है 29।
इनमें से 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा एक, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणा एक, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुणा में एक। इनमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास एक आ रहा है, तो HCF क्या आएगा हमारे पास, एक। LCM क्या बनेगा, LCM के लिए इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 को 23 से गुणा करेंगे, 17 तीन 51, 5 34 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 39। 391 को गुणा करना है हमें 29 से, गुणा करें कितना आ जाएगा, 9 81 8 27 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 35। 2 18 एक कंसल, 6 और 1 7, यहाँ से 9 3 13 एक कंसिल, 10 और 1 11, कितना आएगा हमारे पास, 11,339। ये इसके लिए हमारे पास क्या बन गया, एलसीएम बन गया। दो पार्ट हो गए हमारे, अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। जो हमारे पास संख्याएं दी हैं वो हैं 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 में इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम। तो हमारे पास तीसरे पार्ट में संख्या है 8, 9 और 25। यहाँ से 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3। फिर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 की पावर 2। फिर हमारे पास 25 है, 25 को क्या लिख देंगे, 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 2। यहाँ से अगर उभयनिष्ठ संख्या देखें तो उभयनिष्ठ संख्या कोई नहीं आ रही, जहाँ पे हमारे पास कोई उभयनिष्ठ नहीं आए वहाँ पे उभयनिष्ठ क्या होता है, एक। तो HCF कितना आएगा हमारे पास, एक। LCM कितना बनेगा इनका, इनको आपस में गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 8 को 9 से गुणा किया हमारे पास 72, 72 को 25 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 25 गुना 50, 5 बचेंगे, 25 आते 175 और 5 180, कितना बनेगा ये, 1800। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, 1800, और HCF कितना है, ये है हमारे पास एक। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यदि HCF है हमारे पास 306 और 657 का 9, तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, प्रश्न नंबर 4 हल कर रहे हैं हम। सूत्र क्या पढ़ा था, संख्याओं का गुणनफल बराबर था HCF गुणा LCM के। अब यहाँ से संख्याएं कौन कौन सी दी हैं इसने, 306 और 657, तो इनका गुणा करेंगे, 306 गुणा 657 बराबर इसका HCF कितना दिया है, 9। LCM हमें इसका ज्ञात करना है, तो 9 गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो LCM बराबर क्या बनेगा, 306 गुणा 657 बटा में हमारे पास है 9। 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 3 27 और 9 4 36। 34 को गुणा करना है 657 से, तो 657 से 34 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 28, 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26। 3 से गुणा करेंगे 21, 2 15, 2 17, 1 18 और 1 19, 8 3 13 एक अंशिल, 11 और 1 12 एक अंशिल, 2 कितना आ गया, 22,338। तो इसका जो LCM है वो कितना है, 22,338। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, पांचवें प्रश्न में इसने दिया है कि हमारे पास जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अंक 0 पर समाप्त होने के लिए हमें पता है, कोई भी संख्या अगर हम लें जो 0 पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या है, 520 है, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें जो 0 पर समाप्त होती है, इनके जब हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। अगर हमारे पास 2 और 5 दोनों होंगे अभाज्य गुणनखंड में तो ये 0 पर समाप्त होगी, वरना ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्या के लिए हमें जो संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड करके हम देखेंगे। तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n। यहां से हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए यह संख्या 0 पर समाप्त हो। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में
दो व पाँच दोनों संख्याएं या दोनों अभाज्य संख्याएं होना आवश्यक है, लेकिन इसमें या 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं है, इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त कर पाए। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठे प्रश्न में हमें 2 संख्याएं दी हैं और हमें ये व्याख्या करनी है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याओं के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग जा रहा हो तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। तो इसने 2 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या है प्रश्न नंबर 6 में, पहली संख्या दी है 7 × 11 × 13 और प्लस में हमें दिया है इसने 13। अब इन दोनों संख्याओं में अगर देखें तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 13, तो 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। अब इसमें इस पूरी संख्या का खुद का तो भाग जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ ये 13 से भी भाज्य है, इसलिए ये संख्या क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी। लिख देंगे यह संख्या खुद के अलावा 13 से भी भाज्य हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे में क्या दिया इसने, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में हमें दे दिया इसने 5। तो इस संख्या में से कॉमन क्या संख्या आ रही है, कॉमन आ रहा है इसमें 5, क्या बनेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। अब इस संख्या में खुद के अलावा किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो ये संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे यह संख्या खुद के अलावा 5 से भी भाज्य हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो भी पूरा हो गया। अब हम इसका सातवां प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, सातवां प्रश्न क्या दिया है इसने, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमारे पास जो इसने कंडीशन दी है, इसने कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस पर दो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, और दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ से इसने कहा है कि रवि को लगते हैं इसका एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट और लड़की जो सोनिया है उसको लगते हैं 18 मिनट। तो यहाँ से जब ये एक साथ दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो रवि एक चक्कर अपना यहाँ पर वापस आ जाएगा कितने मिनट में, 12 मिनट में, और जो हमारे पास
दूसरी लड़की है सोनिया, उसके 18 मिनट लगेंगे तो 12 मिनट में वो पीछे रहेगी। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है सोनिया और यहाँ पे आ गया वापस से रवि एक चक्कर पूरा करके। अगली बार फिर से 12 मिनट में ये अपना एक पूरा चक्कर कर लेगा और ये जो सोनिया है वो और पीछे रह जाएगी इससे। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। जब इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, कोई भी मान इस तरह से बढ़ता जाता है, तो जो दोनों संख्याएँ उनका हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो समय दिया है, रवि एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में, और सोनिया एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में। तो हमें ये बताना है कि वापस से कितने मिनट बाद या कहाँ पे आके मिलेंगे ये उसी स्थान पर। तो इसके लिए हमारे पास जो 12 और 18 हैं इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा में 3। फिर 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3 × 3 यानी कि 2 × 3 की स्क्वायर। अब यहाँ से हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उनकी हम अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2, और 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 2। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, कितने हो जाएंगे हमारे पास 36। तो एलसीएम है इसके लिए हमारे पास 36। अब हमारे पास एलसीएम आने के बाद में ये जो समय आया है यही वो टाइम है जिसमें वो प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। तो लिख देंगे, अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 7 था वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 1.2 भी पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आगे वाली जो एक्सरसाइज है इसकी, आगे वाली प्रश्नावलियाँ वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।